नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो जो है अपना वो है सिंगल डोर फ्रिज। और सिंगल डोर फ्रिज में अगर वो कूलिंग नहीं कर रहा है, ठंडा नहीं कर रहा है, और जैसे ही फ्रिज को आप सप्लाई से कनेक्ट करते हो तो कुछ देर बाद में बैक साइड में ये कंप्रेसर जो होती है उसमें आपकी चट की आवाज़ आपको अगर सुनाई देती है, और उसके बाद में जो है कंप्रेसर में किसी प्रकार का वाइब्रेट या आवाज़ नहीं आता है, यानी कि कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है, तो उसका जो समस्या का जो समाधान है वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आज हमारे पास ऐसा ही एक फ्रिज आया था जो बिल्कुल भी ठंडा नहीं कर रहा था। जैसे ही मैंने सप्लाई में कनेक्ट किया तो उसमें कंप्रेसर की साइड में चट की आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक वीडियो बनाया जाए इस पर। तो मैंने एक कंप्रेसर ले लिया है। कंप्रेसर में आप देख पा रहे होंगे कनेक्शन हो रखे हैं ऑलरेडी, पहले से दो वायर लगे हुए हैं। तो आप अगर नए टेक्नीशियन हैं या कोई घर पे आप रिपेयर करना चाह रहे हो तो आप इन कनेक्शनों की पहले फ़ोटो ले लें, उसके बाद में आप इसका जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले मैं आप इस कंप्रेसर को जो है सप्लाई में लगा के दिखाता हूँ आपको। ये मैंने लगाया सप्लाई में और आप देख पा रहे होंगे मैंने इसके साथ एक मल्टीमीटर जोड़ रखा है। ये हाई एम्पियर ले रहा है, 3.5 एम्पियर ले रहा है। इतना करंट नहीं लेना चाहिए इसको, नॉर्मल कंडीशन में ये 0.5 एम्पियर करंट लेना चाहिए, जबकि ज़्यादा ले रहा है। अभी देखना इसमें चटकी आवाज़ आएगी, ये चटकी आवाज़ आ गई और इधर जो करंट है वो जीरो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कंप्रेसर अपना ट्रिप मार चुका है। तो इसका जो दोस्तों दो ही रीजन है, या तो अपना कंप्रेसर खराब हो चुका है या फिर जो है पीटीसी अपनी खराब हो चुकी है। मैं सप्लाई से करता हूँ डिस्कनेक्ट और ये जो पीटीसी आप देख पा रहे होंगे इस पीटीसी को यहाँ से निकाल लेते हैं। ये इस तरीके की होती है, इसमें आप देखोगे तो ये 4 पिन वाले भी होती है। इसमें ये दो पिन, ये और ये पिन दोनों आपस में कनेक्ट होती हैं और ये पिन आपस में कनेक्ट होती हैं। तो इसमें एक पिन वाला ही पीटीसी यूज हुआ है, अपन जो है वो 4 पिन वाला इसमें पीटीसी लगा देते हैं। और जो बायोमेटल है वो भी अपन इसको आप ओएलपी भी बोल सकते हैं, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। इसको हटा के दूसरी लगा लेते हैं। मैंने दूसरी ओएलपी ले ली है और इसको इसमें देखो दोस्तों आपको पहले बता देता हूँ, 3 टर्मिनल होते हैं। एक ये जो सिंगल होता है ये कॉमन होता है, और ये राइट साइड में जो आपका रनिंग होता है और लेफ्ट साइड में जो आपका स्टार्टिंग होता है। लेकिन आप कनेक्शन खोलने से पहले आप कनेक्शन देख लें एक बार, फोटो खींच ले। ये आपने लगा दी मैंने आपकी ओएलपी और ये लगा दी मैंने पीटीसी। पीटीसी भी आपको मैं बता दूं ऐसे कैसे ही डल जाएगी। इसमें ये दो खांचे हैं, पिन है बैक साइड में, उनको ऐसे फंसा देंगे। ये आसानी से लग चुकी हैं। अब आपको सप्लाई जो दोस्तों इसमें दो वायर हैं अपने पास, एक ये है और दूसरा ये है, दो वायर मिलेंगे। तो एक वायर को आपको ओएलपी में यहाँ पे कनेक्ट कर देना है और दूसरा जो है रनिंग साइड में आपको चाहे ऊपर वाली में चाहे नीचे वाली दोनों किसी भी एक पिन में आपको कनेक्ट कर देना है, क्योंकि ये दोनों पिन आपस में, ये और ये पिन आपस में कनेक्ट होती हैं। तो मैंने कनेक्शन कर दिए हैं और मैं अब सप्लाई से कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये आप देख पा रहे होंगे ये 0.8 एम्पियर करंट ले रहा है। ये मैंने स्विच ऑन कर दिया है और आप देख पा रहे होंगे ये 0.8 एम्पियर करंट ले रहा है और ये कंप्रेसर अच्छे से काम करने लगा है। तो इसमें दोस्तों प्रॉब्लम जो थी ये पीटीसी और ओएलपी की प्रॉब्लम थी। अगर आपके भी फ्रिज में चट की आवाज़ आती है तो आप इस तरीके से ओएलपी और पीटीसी बदल के आप आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर ओएलपी और पीटीसी दोनों रिप्लेस करने के बाद में भी ये प्रॉब्लम आ रही है और आपके कंप्रेसर के पास में इस टाइप का कैपेसिटर लगा हुआ है तो आप इस कैपेसिटर को रिप्लेस कर दें, आपका काम हो जाएगा। ये कहाँ लगेगा इसके कनेक्शन आपको बता दूं, एक तो इस साइड में यानी कि स्टार्टिंग पे और एक इस साइड में जो ये पिन दिख रही है इस पे लगेगा, यानी कि स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में इस पे और इस पे एक कनेक्शन आपके ये दोनों तार लग जाएंगे। कंप्रेसर में लगभग 2.5 माइक्रोफेड से लेकर और 6 एम्पियर तक का अलग अलग कंप्रेसर में अलग अलग कैपेसिटर होता है। जिस वैल्यू का आपके पास कैपेसिटर लगा है सेम वैसी वैल्यू का आप इन दोनों पिनों पे कनेक्ट कर दें, आपका फ्रिज जो है सही से कूलिंग करने लगेगा। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर भी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम रहती है तो आप हमें वीडियो में दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें हमारे से सलाह या सुझाव ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।